क्यों कहा जाता है कि हमें सप्ताह में एक दिन खिचड़ी या दलिया जरूर खाने चाहिए? देखिए, भगवान ने अलग अलग वैरायटीज बनाई है खाने की, चावल भी बनाया है, गेहूं भी बनाया है, रोटी भी बनाई है, पालक भी बनाया है, मथुआ भी बनाया है, मेथी भी बनाई है, बहुत सारी वैरायटीज बनाई है। हमारा शरीर अब आज की डेट में तो कम से कम 22 प्रकार के एमिनो एसिड से चलता है, ठीक है। ये 22 प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक का मतलब कि इनको, इन 22 में से 11 ऐसे एमिनो एसिड है जिनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहते हैं, और 11 ऐसे जिनको हम एसेंशियल कहते हैं। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनको हमें भोजन से ही लेना पड़ेगा, इनके लिए हमें भोजन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि अगर हम खाते हैं तो भी ठीक है, नहीं खाते हैं तो भी ठीक है, शरीर अपना काम तो कर लेगा, शरीर अपना काम चला लेगा, इनको बना लेगा, है ना। तो 22 प्रकार के अमीनो एसिड में से 11 नॉन एसेंशियल है, 11 और एसेंशियल है। तो इन एसेंशियल के लिए ये हमें भोजन से ही मिलेंगे, ये हमें भोजन से ही मिलेंगे, और हर लगभग एक प्रकार का अमीनो एसिड एक प्रकार के भोजन में मिलता है। एक प्रकार का, जैसे अगर हम मूंग की दाल खा रहे हैं तो एक प्रकार का मिलेगा, हम राजमा खा रहे हैं तो दूसरे प्रकार का मिल जाएगा, हम छोले खा रहे हैं तो तीसरे प्रकार का मिल जाएगा। तो अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड मिलता है। इन एसेंशियल अमीनो एसिड में दो अमीनो एसिड हैं, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। इन दो अमीनो एसिड की क्या आवश्यकता है? ये हमारी इंटरनल इंजरी को हील करते हैं। इंटरनल इंजरीज क्या होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलती और हमारे शरीर के अंदर इंजरी हो जाती है। जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, कहीं हम जाते हैं, कभी टकरा जाता है हाथ मेरा कहीं पर, है ना, मैंने ऐसे मारा तो ये इंटरनल इंजरी हो गई अंदर, यानी कि मेरे ब्लड के अंदर कैपिलरीज जो थी सेल की वो फट गई, फटने की वजह से वहां पर इंटरनल इंजरी हो गई। हम कहीं टकरा जाते हैं, पैर कहीं टकरा जाता है, कुछ भी होता है, हम कूदते हैं, वो भी एक इंटरनल इंजरी है। तो इस इंटरनल इंजरी को आपको ऐसा है कि पता भी नहीं चलता। इस इंटरनल इंजरी को हील करने का काम ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन करते हैं। ये डॉक्टर है शरीर के, ये कौन है? डॉक्टर है शरीर की, टूट फूट के, ऐसे टूट फूट जो अंदरूनी हो गई और आपको पता भी नहीं चली, उनको ये दोनों ठीक करते हैं। और ये दोनों ही हमारी खिचड़ी और दलिये के अंदर होते हैं। ये दोनों मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रकार का अमीनो एसिड एक प्रकार के अंदर होगा, तो दलिया और खिचड़ी के अंदर हमारे ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन पाए जाते हैं, है ना। और वो खिचड़ी, जो खिचड़ी में सैला चावल होता है ना, और मूंग के छिलके वाली दाल, छिलके वाली दाल, ये दोनों जो दाल ये बनती हैं, इन दोनों को मिलाने पर ही हम कहते हैं खिचड़ी बन गई, कहते हैं खिचड़ी बन गई। तो मूंग के छिलके वाली दाल का चावल, सैला चावल, ये दोनों मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स कर और इसमें भी जो सैला चावल है वो 25% होना चाहिए और जो मूंग की छिलकी वाली दाल है वो 75% होनी चाहिए, इस रेशियो से खाते हैं। ऐसे नहीं चावल ज्यादा कटी दाल कम कटी, दाल 75% 25% चावल। जब जाकर जो खिचड़ी बनेगी वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके बहुत फायदे हैं। पहला फायदा कि ये सुपाच्य है। सुपाच्य का मतलब जल्दी पचने वाला है। इसको पचने में बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, आपके पेट को आराम मिलेगा, हल्का खाना है आपको, खाने के बाद हैवीनेस नहीं आएगी। जैसे आप राजमा खा लेते हैं दुकार से आने लग जाती है, पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लग जाती है, आप कड़ी खा लेते हैं वो हैवी खाना है, वो सुपाच नहीं है। तो सुपाच मतलब जो आराम से पच जाता है, तो ये खाना हमारा। और मेडिकली उसमें आप देखेंगे जब भी आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं या कोई पेशेंट होता है, आप मिलने भी जाएं तो उसको दलिया या खिचड़ी ही ज्यादा दी जाती है, दलिया खिचड़ी दी जाती है उसको। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके डाइजेशन को भी ठीक रखा जाए, सही से पच जाए, उसको गैस एसिडिटी बदहजमी ना हो। और मेडिकली इसका लाभ कि इसके अंदर दो प्रकार के एमिनो एसिड है जिनको ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन कहते हैं।
ल्यूसीन और आइसोलेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के अमीनो एसिड कहां मिलते हैं? खिचड़ी के अंदर मिलते हैं। दलिया, जो मोटे अनाज का दलिया होता है उसको दलिया बोलते हैं, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन जब हम लेते हैं, जब ये खाएंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और ये इंटरनल टूट फूट को ठीक करते हैं। मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है, ये आर्टरीज है यानी कि कोई नस जा रही है, इसके अंदर जब हम दौड़े कूदे या मैं कहीं टकराया ऐसे करके तो ये चोट लगी मुझे, ये यहां से टूट गई, ये रैप्चर हो गई, यहां पर ये ऐसे ऐसे हो जाती है, ये रैप्चर हो गई। अब इस टूट फूट को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने खा रहे हैं तो ये शरीर के अंदर होगा, ये तुरंत वहां एम्बुलेंस लेकर जाएंगे और यहां इसको हटाकर रिपेयरिंग कर देंगे। ये रिपेयरिंग कर दी इस तरह से, बस इन दोनों का काम खत्म, ये अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। लेकिन जब ये दोनों नहीं होंगे तो उस कंडीशन में इनकी रिपेयरिंग कौन करेगा? इंटरनल टूट फूट की रिपेयरिंग कौन करेगा? वो करेगा जैसे, वो उस तरीके से होगा जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, आपका टायर खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? मैकेनिक को फोन करते हैं। ये मैकेनिक है दोनों, वो कहते हैं आज तो हम छुट्टी पाए हैं, है ही नहीं शरीर के अंदर, तो आप क्या करते हैं? मजबूरन एक ऐसा आदमी देखते हैं जो टायर लगा रहा होता है किसका? साइकिल का। उस साइकिल वाले टायर को बुला, वो पंचर वाले को बुला कर लेके आते हैं, बताइए ये कार खराब हो गई, उधर मैं साइकिल का मैकेनिक हूं, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, तो उधर जैसे तैसे मैं करके कर दे। वो कर भी देता है, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि वो ठीक कर रहे? क्या आपको भरोसा है कि वो लंबे समय तक गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही जब ये दोनों नहीं होते तो कैल्शियम इस काम को करता है, कैल्शियम कैलिस्ट्रॉल इस काम को करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अनाड़ी है ना, ये कोई वो तो है नहीं रिपेयरिंग करने वाले, ये क्या करते हैं? यहां जाकर ना जम जाते हैं बस, ये क्या करते हैं? कैल्शियम और कैलिस्ट्रॉल यहां जाकर जम जाता है, और ये इसे पता ही नहीं कि कितनी देर तक जमना था, ये जमते चले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें क्या करना है? टूट फूट को ठीक करना है, और ये धीरे 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 करके यहाँ जमना शुरू कर देते हैं। और आप ये देखेंगे अभी हमारी आर्टरीज कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी ना, और ये कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम यहाँ जम जमकर इसको पतला कर देते हैं, इतना ही रास्ता बचता है। इसको बोलते हैं नैरो होना, यानी कि आर्टरी का नैरो होना, पतला हो जाना। यहां से अब खून का थक्का यहां से प्रेशर से आ रहा है, यहां टकराता है, वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दीवारें खड़ी हो गई कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम पोटेशियम की, है ना, और ये खून का दौरा यहां पर कमजोर हो जाता है आगे, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। और ये ज्यादा ही जम जाए तो बंद ही कर देगा रास्ता, एक दिन ये रास्ता ही बंद कर देगा, और यहां से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन नहीं खाया, हमारे शरीर के अंदर हमने इनको कभी नहीं खाया, और ये थे ही नहीं, तो अनाड़ियों ने वहां जाकर उसको खराब करना शुरू कर दिया जो अच्छा होना चाहिए था। तो इसलिए आपको दलिया या खिचड़ी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि हमारे इंटरनल जो टूट फूट वो चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगी कब टूट फूट हो गई, और उसको रिपेयर करने का काम ये दोनों ही करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो सप्ताह में क्या महीनों में भी नहीं खाते हैं, उनकी टूट फूट को ठीक यही अनाड़ी लोग करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सप्ताह में एक दिन खिचड़ी या दलिया जरूर खाएं, ताकि कैल्शियम और पोटेशियम या ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल ये अनाड़ी वाला काम ना करें, नहीं तो इन फ्यूचर में आपको ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, या जहां पर भी टूट फूट हुई होगी वहां की नर्व को खराब कर देंगे। ठीक, तो इनको ठीक रखने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुपाच्य है, अच्छा भोजन है, हल्का भोजन है, और इनके अंदर जो आवश्यक ये है अमीनो एसिड ये पाए जाते हैं। कहते हैं कि केवल एक ही चीज ऐसी है जिसमें अधिकतम अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो उसको भी सप्ताह में एक बार जरूर खाना चाहिए, जो सोयाबीन है। सोयाबीन में अधिकतम अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये सोयाबीन नहीं जो फूली फूली होती है, सोयाबीन का पौधा होता है ना, बीज वाली सोयाबीन, राजमा की तरह, हाँ वो सोयाबीन खानी चाहिए जो मार्केट में मिलता है, वो सोयाबीन हमें खानी है जिसके अंदर अधिकतम अमीनो एसिड होते हैं। ये फूली वाली अमीनो सोयाबीन नहीं है ना, छोटी हाँ वाइट होती है सोयाबीन, वो खानी चाहिए, उसके अंदर अधिकतम
अमीनो एसिड होते हैं, और इसलिए कहते हैं कि सोयाबीन का ऑयल भी आता है, सोयाबीन का आटा भी आता है, लेकिन सप्ताह में एक ही बार लेना है। उसको भी ज्यादा नहीं किया इसमें, अच्छा ही है तो उसे खाते चले गए। सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल करने वाले रेगुलर लोगों को भी बीमारियां होती हैं। पीसीओडी की समस्या ये अत्यधिक सोयाबीन खाने वालों को होती है, जो फीमेल, जेंट्स को तो होगी नहीं ये समस्या, जो फीमेल सोयाबीन का इस्तेमाल ज्यादा यूज करती हैं, उनको ये पीसीओडी की समस्या भी हो जाती है ना, ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं खानी तो उसे भी अंतराल में खानी है। तो इस तरीके से खिचड़ी और दलिया हमें जरूर खाना चाहिए अगर हमें अपने आप के इंटरनल टूट फूट को ठीक रखना है तो। समझ आ गया।